ओम खड़गम चक्र गदे सुजाप परिघाम चोलंबुशुंडिम शिरा शंखम संददधिम करैस्त्रिनयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलास्मद्युतिमास बाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम मधुम कैटभम। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है कन्या राशि पर। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में ग्रहों के योग किस प्रकार के बनने वाले हैं। अक्टूबर का आरंभ काल विशेष तौर पर बहुत ही विशेष है आपके लिए। आपकी राशि में इस वक्त कई ग्रहों के उठापटक के योग बन रहे हैं। सूर्य बुध शुक्र केतु वहाँ विद्यमान है, चंद्रमा साथ में युक्त हो जाएंगे, चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर लेंगे, मंगल की दृष्टि उस पर आ जाएगी। इसी राशि पर ग्रहण का योग बन रहा है और सदी बात करें तो इस राशि के हिसाब से कई पंचमहापुरुष योग का भी निर्माण हो रहा है। जिस प्रकार से योग चल रहे हैं वो आपके लिए बुध बड़े शक्ति होकर बैठे हुए हैं, लेकिन कई ग्रह वक्री की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज शुभ होकर वक्री भी हो जाएंगे, फिर शनि महाराज वैसे ही वक्री अवस्था में चल रहे हैं इस वक्त। तो आपको समझना चाहिए कि आप जब वक्र गति कई सारे ग्रह हो जाते हैं तो कई ग्रह शक्ति संपन्न हो जाते हैं और वो शक्ति संपन्न हो जाते हैं तो अपनी ताकत और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तब आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो जब ताकत ज़्यादा बढ़ जाती है ना आदमी की, तो क्या होता है आप समझें कि जब ताकत ज़्यादा बढ़ गई तो आदमी जो है आग में कूदने का काम कर जाता है। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत पार लगा दूंगा, ऐसे में ध्यान रखना है। सूर्य वैसे ही लग्न में चल रहे हैं, आपकी राशि में चल रहे हैं इस वक्त, जो उग्रता बहुत ज़्यादा उत्पन्न करने के प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सावधानी से आपको ग्रहों को समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में पंचचतुर्ग्रही योग जो निर्माण हो रहा है वो साथ साथ उसमें मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो भी ध्यान रखने वाला। नवरात्र आ रहे हैं, इसके साथ साथ अक्टूबर का पूरा महीना उत्सवों के साथ है। ये उत्सव नहीं है, ये मुहूर्त है जिसमें आप अपने समस्त कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। जो बुद्धिमान है वो ज्योतिष का दो लाभ है। ज्योतिष एक तो भविष्य को दिखाती है और भविष्य में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए वो रास्ता भी दिखाती है कि कौन से मुहूर्त में किस प्रकार का कौन सा कार्य कर लेना चाहिए। हम पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से आपके समक्ष उन समस्त सत्यों को रखने का प्रयास करते हैं, सुंदर रूप से उन रहस्यों को समझ लें। आज की तारीख में ज्योतिष टोटकों का विज्ञान हो गया है, टोटके बताकर लोग, लेकिन हम पौराणिक कथाओं के साथ साथ पौराणिक मतों के साथ साथ पौराणिक योगों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और उन समस्त रास्तों को आपके समक्ष रखते हैं जो वेद विज्ञान इत्यादि शास्त्र में विद्यमान है, उन सबको आपको समझना चाहिए। नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र में भगवती का बड़ा दिव्य स्वरूप इस बार रहने वाला है। घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड़ग धारण करती हुई भगवती आने वाली हैं और ऐसे में नवरात्रों में समस्त कष्टों को संहार करने के लिए आपको शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है यदि आपने सही मार्ग पर संयम से उस पर अपनाया। देखिए, इस अश्विन के महीने में एक तिथि आरंभ की क्षय हुई और साथ साथ चतुर्ग्रही योग का निर्माण, दो दो ग्रहण पड़ रहे हैं। ये दो दो ग्रहण विशेष तौर पर पृथ्वी के लिए किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। जिन क्षेत्रों में ये ग्रहण पड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट का योग बन सकता है। कन्या राशि में ही ग्रहण, उसके सम्मुख ही ये ग्रहणों का सब उत्पात होने जा रहा है, तो आपको खास कौन सा उपाय करना चाहिए वो सब बातें आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 अक्टूबर की। मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का श्राद्ध, यानी ये श्राद्धों का दो दिन का शेष रह गया है और श्राद्ध की वेला बड़ी विचित्र होती है, भार को काटने वाली होती है, ऋण को निवृत्त करने वाली होती है। कई बार हमारे जीवन में चलते चलते बहुत ज़्यादा पितृ बार बार हमारे विचार में आने लगते हैं, हमारे सपनों में आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षा है। ऐसे ही नहीं आता कोई स्वप्न, ये जो सपने हैं भविष्य बताते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं और यदि पितृ बार बार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी तृप्ति नहीं हो पा रही है, वो अपेक्षा कर रहे हैं, तो उनके निमित्त ये तर्पण इत्यादि, भोजन इत्यादि गरीब, और कई बार व्यक्ति डर जाता है पता नहीं कौन कौन से प्रपंच में फंस जाता है। सीधा रास्ता है, कोई पितृ बार बार आपके स्वप्न में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनके निमित्त तर्पण कर दीजिए, उनके निमित्त गायत्री जप कर दीजिए, उनके निमित्त कोई ब्राह्मण भोजन करा दीजिए। और मैंने कई बार देखा, हमारे पास एक बहुत बड़े व्यक्ति आए और उनके कारण कष्ट चल रहे थे, हमारे पिता के पास आ गए, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से उनकी दादी जो है वो बार बार सपने में आ रही हैं, तो पिताजी ने उनके लिए गायत्री का अनुष्ठान कराया और समझे कि गायत्री का अनुष्ठान जब चल रहा था, उसकी पूर्णावती जब आए तो बोले जी बहुत सुंदर हुआ कि हमारी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा था और ऐसे में इस गायत्री के अनुष्ठान से उनके विवाह के योग बन गए। तो यानी पितृ कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षा करते हैं, वो ऋण उतारने के लिए आपको उस प्रति कार्य कर लें तो बहुत सुंदर होता है, ये अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है वो भी समझ लें,
क्योंकि आमतौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से राशि फल जो है वो भी आपको समझना चाहिए। तो एक तारीख के दिन कन्या राशि वालों के लिए ग्रह योग क्या बन रहा है, बड़ा सुंदर है, शक्ति अच्छी रहेगी, लेकिन क्रोध मत कीजिएगा, अननेसेसरी क्रोध फंसा सकता है। जो दिन आपका सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, शाम होते होते पॉजिटिविटी प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, इसलिए अपने आप को शांत रखते हुए कार्य करें। कई बार लग रहा होता है कि कई बार एंग्जाइटी चल रही होती है, हो नहीं रहा काम, नुकसान हो जा रहा है, नुकसान एक लिमिट तक होगा। शाम को सूर्य अस्त के साथ साथ कष्ट का निवारण करने का योग भी, खबर भी आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आने वाले 2-3 दिन बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चतुर्ग्रही योग उस पर मंगल की दृष्टि, ये आपके लिए कष्ट में है, तो इसका निवारण आपको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि मंगल की दृष्टि जिस प्रकार से पड़ रही है, मंगलवार के दिन योग पड़ रहा है, तो उसके लिए हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिएगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी रखा है और साथ साथ यज्ञ भी रखा है, आप इसमें सम्मिलित होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शाम को 5 बजे से लेकर करीब रात में भंडारे के साथ 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, सम्मिलित होइए, लाभ होगा। 2 तारीख का दिन बहुत विशेष है, अमावस्या युक्त है, खासतौर पर बुधवार का दिन आश्विन की अमावस्या, सर्वपित्र कार्य के लिए अमावस्या है और श्राद्ध समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, भूले विष्णु के निमित्त श्राद्ध, पितृआत्माओं की श्राद्ध करने का दिन माना जाता है। किसी के भी पितृ के निमित्त आप श्राद्ध कर सकते हैं, किसी मित्र कोई चला गए हैं जो वो पता नहीं उनके परिवार वाले करते हैं नहीं करते, आप कर सकते हैं श्राद्ध। शास्त्र कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है, किसी ऋषि मुनि के लिए कर सकते हैं, मित्र के लिए कर सकते हैं, रिश्तेदार के लिए कर सकते हैं, किसी दुश्मन के लिए भी कर सकते हैं। दिवंगत आत्मा होने के बाद तो कहीं ना कहीं सब समाप्त हो जाता है ना, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। वो कर्तव्य बनना चाहिए, जिसकी भी याद आपको आ रही है बार बार, कहीं ना कहीं विचार किसी दिवंगत आत्मा का आ रहा है तो वो अपेक्षा कर रहा है कुछ चीज़ की आपके साथ, तो उनके निमित्त भी थोड़ा जलदान कर दीजिए। 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है, थोड़ा तिल हाथ में लिए तर्पयन्ताम तस्यै सुधा, इतना ही टाइम लगता है। जल लोटे में लिया, थोड़े तिल डाले और उनके ध्यान करते हुए इस पितृ तीर्थ से जल दे दिया और देखिएगा वो विचार मनोमस्तिष्क में कहीं जो परेशान कर रहा है उससे निवृत्ति का रास्ता आपको मिलेगा सुंदर तरीके से। इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है और ये ग्रहण जो है तो थोड़ा सा आपकी राशि, कन्या राशि वालों के लिए भारी है, खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आने वाले समय में सम्मान पर दाग लगने के योग बन सकते हैं, थोड़ा सा अनिष्ट होने के योग बन सकते हैं, तो इसलिए सतनाजे का दान, गायत्री का जप अवश्य होना चाहिए आपकी राशि वालों के लिए, खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रहों का प्रभाव वैसे आपकी राशि के अनुसार चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है वो थोड़ा शांत रखेंगे तो अच्छा रहेगा। शक्ति ज़्यादा है ग्रह में, बैलेंस थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तब आपके लिए शुभ हो सकता है योग। गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है आपकी राशि के अनुसार, तो ये सब उपाय करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। ये आपको इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि कोई दिक्कत है कहीं गायत्री जब आप नहीं करा पा रहे हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में इन तर्पण इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है, यहाँ पे आप संपर्क साध करके अपने पितरों के निमित्त समस्त जो भी कार्य हैं, पितृ पैतृक कार्य हैं, वो सब करने की सुंदर व्यवस्था आश्रम पे रहती है। 3 तारीख की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर और प्रतिपदा तिथि है आश्विन के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और शारदीय नवरात्र सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं पूजा पाठ के लिए। यदि दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करें तो उसमें मंत्र आया है शरद काले तो क्रियते च वार्षिक, भगवती दुर्गा की उपासना करने के लिए भगवती स्वयं कहती हैं कि शरद काल में जो वर्ष में एक बार आता है नवरात्र जो आते हैं उसमें यदि भगवती की आराधना कर ली जाए तो समस्त मनोरथ सिद्ध करने के योग बन जाते हैं। और ऐसे में शनि भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस दिन और चतुर्थ चरण में शतभिषा नक्षत्र के प्रवेश कर रहे हैं और इन दिनों शनि महाराज का युति जो आपके लिए चल रही है थोड़ा सा शत्रुवर्धन, रोगवर्धन, अननेसरी परेशानी बढ़ने के योग बना रहे हैं, तो ऐसे में उसका ध्यान रखने उसका उपाय भी निवृत्त करना चाहिए। तो शारदीय नवरात्र में शनो देवी रविष्ठयाप भवंतु पिता शनो रविष्ठवंतु, इस मंत्र का जप करने का आपको सुंदर प्रयास करना चाहिए, ध्यान रखते हुए कार्य करें। शारदीय नवरात्र में भगवती से यही आराधना करें, ये कष्ट दूर करने के योग बनाए भगवती। कलश स्थापना का समय जो चल रहा है वो है रहेगा सुबह करीब करीब, आपकी राशि के अनुसार से हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए समय रहेगा सुबह करीब करीब 7:45 बजे से लेकर, ये मुहूर्त रहेगा करीब करीब 11:45 बजे तक, शाम को वही 5:45 बजे से लेकर समय रहेगा आपके लिए सबसे श्रेष्ठ करीब करीब 8 बजे तक। तो इस मुहूर्त में कलश स्थापन करके भगवती का सुंदर पूजन आरंभ करें और विवेकानंद योगाश्रम में भी पूरे 9 दिन तक शारदीय नवरात्र का सहस्रचंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया गया है। आश्रम में भगवती दुर्गा का जो शिव विग्रह है वो 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है जो मुल्तान से यहाँ उपस्थित हुआ 1947 में हमारे आश्रम पर, बड़ा दिव्य स्वरूप है और जो उनके सानिध्य में बैठ कर ये कर लेते ना, कैसे भी कष्ट हो, शत्रु बाधा हो, उन सब से निवृत्ति के योग बन जाते हैं, शत्रु समाप्त हो जाते हैं, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा बहुत बढ़िया तरीके से। तो अवश्य आप ध्यान करें, करने का प्रयास कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे।
चार तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि, ग्रह परिवर्तन का युग बना रहे हैं और ये परिवर्तन आपके आशीर्वाद से विवाह प्राप्त करने के युग बनते दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है और ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं शुक्र के साथ चंद्रमा विराजमान होकर, बड़ा सुंदर है। कन्या पूजन कर तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे ना, तो इसमें विशेष तौर पर आपके लिए विजय के योग बनने के साथ साथ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। बस क्रोध ज़्यादा ना करें, सूर्य लग्न में चल रहे हैं, मंगल की दृष्टि से है तो वो अननेसेसरी कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरी क्रोध करवाते दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा बोलने में थोड़ा कम ध्यान रखें, कन्या से वाणी दोष से भी कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो गौ पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा, कन्या पूजन करना आपके लिए आशीर्वाद देने वाला रहेगा। 5 तारीख का अवसर शनिवार और तृतीया तिथि है और 3रा नवरात्र है, भगवती चंद्र घंटा की आराधना करने की तिथि है और ऐसे में ग्रह नक्षत्र यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो अनुकूल ही दिखाई देते हैं। ये ऐसे में ध्यान रखना है केवल एक बात का आपको, कि जो शत्रु पक्ष है, रोग पक्ष है, रोग का ध्यान रखते हुए कार्य करें, इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा शनि के निमित्त दान करें चीज़ों को, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तिल का दान करें और तिल पीपल के ऊपर थोड़ा तिल अर्पित करने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। भगवती के निमित्त भी सिंदूर को चढ़ाना इस दिन बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि सिंदूर तृतीया का योग भी इस दिन बनता है। 6 तारीख की हम बात करें, रविवार का अवसर, तृतीया तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ है और चतुर्थी भी साथ में विद्यमान हो गई है, तो 4था नवरात्र है और ऐसे में कुष्मांडा देवी की आराधना करने का सुंदर अवसर बनता है। गजकेसरी योग का निर्माण हो गया है, चंद्र बृहस्पति के सम्मुख बिल्कुल चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। धर्म में जितने रहेंगे, धर्मयुक्त जितने कार्य करेंगे उतने वारे न्यारे, नवरात्र चल रहे हैं, कोशिश करें धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। भगवती पार्वती के साथ, दुर्गा जी के साथ शिव का भी ध्यान करना आपके लिए समस्त रूप से कल्याण के योग बनाने वाला है। ये 2-3 दिन ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि जितना भगवती की, शंकर की, दुर्गा की आराधना करोगे उतना बढ़िया आपके लिए। कहीं रुकावट भी चल रही होगी ना, तो उसको विजय प्राप्त करने के निमित्त ये मंत्र जो आप नोट कर लीजिए, जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा, वो आपको अवश्य जप करना चाहिए इस नवरात्र के अवसर पर। कन्या राशि वालों, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। देवी सूत का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आपके लिए सर्वप्रभुओं से कल्याण करने वाला है, भगवती कृपा प्राप्त करने वाला है। ये ग्रह नक्षत्र ऐसे ही गजकेसरी योग का निर्माण है और ये मंत्र हम आपको दे रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए, कल्याणकारी योग बनाएगा। यदि हम 7 तारीख की बात करें तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें, सोमवार का अवसर और चतुर्थी और पंचमी तिथि का योग, 5वां नवरात्र, स्कंद माता की आराधना करने का सुंदर दिवस चल रहा है और ग्रह नक्षत्र जैसा हमने कहा आपके लिए बृहस्पति के सम्मुख बिल्कुल चंद्रमा विराजमान है, लेकिन सूर्य यहाँ अननेसेसरी आपको हर बात पे क्रोध देने के योग बना रहे हैं। बृहस्पति देख रहे हैं फिर भी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के बावजूद भी शुक्र जो सूर्य है वो अननेसेसरी केतु के साथ विराजमान होकर मन में थोड़े से छोटी छोटी बातों पर क्रोध उत्पन्न करने का योग दे रहा है, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों सूर्य को जल नित्यपति देने का प्रयास करना चाहिए, यदि हो सके तो दूध का भी दान करें। भगवती स्कंद माता का मंत्र जप करते हुए पूजन करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। 8 तारीख का अवसर मंगलवार, पंचमी तिथि विद्यमान है और पंचमी तिथि के साथ साथ ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जो योग बन रहा है वो आपके लिए मंगल का उपचार भी करना जरूरी है, क्योंकि मंगल इन दिनों सूर्य को और एग्रेसिव कर रहे हैं, दृष्टि डाल रखे हैं मंगल सूर्य के ऊपर और अननेसेसरी रूट कॉज वही है कि मंगल जो है वो थोड़ी सी आपके अंदर उग्रता उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। ऐसे में उग्रता को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, वो आपके लिए सर्वप्रकार कल्याणकारी रहेगा। 9 तारीख की दिन बात करें, बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि और इस दिन बृहस्पति वक्री होने के साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से धर्म भाव में वक्र गति में कुछ महीनों के लिए उपस्थित हो गए हैं यहाँ पर। और बृहस्पति जब वक्री हो जाते हैं तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा चेष्टा युक्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और बहुत अच्छा भी करेंगे, लेकिन क्या होता है कि अपेक्षा ऐसी रहेगी, काम इतना होगा, अपेक्षा बहुत ज़्यादा। यानी धर्म में आपने जैसे छोटा सा किसी गरीब को भोजन करा दिया, छोटा सा मंत्र जप कर लिया और अपेक्षा उसमें ऐसी कर ली कि इससे ये भी मिल जाए, इससे ये भी मिल जाए, इससे ये भी मिल जाए,
तो कोशिश ये कीजिएगा कि कर्म को सही रूप से करने का प्रयास करें, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होने के योग बनेंगे। भगवती कात्यायनी की आराधना करने का सुंदर अवसर है, और ऐसे में विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि भगवती कात्यायनी की आराधना से कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं इन दिनों, ग्रह नक्षत्र ऐसा दिखा रहे हैं कि जो चंद्रमा का परिवर्तन हुआ है थोड़ा खर्चे अननेसेसरी के बढ़ाएगा, तो खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। भगवती कात्यायनी का ध्यान करते हुए कमल के पुष्प भगवती को अर्पित करें, लाल पुष्प भगवती को अर्पित करें, कल्याण होगा। 10 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, तुला राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है। तुला राशि में बुध का प्रवेश शुक्र के साथ आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाने वाला है, और ये शुक्र और बुध दोनों के दोनों जिस प्रकार से द्वितीय भाव में उदय पहुंच गए हैं कन्या राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। नवरात्र के अवसर पर ये सुंदर युति बनी है, और ये आपके लिए कई प्रकार के व्यवसाय में लाभ के योग बना सकती है। शांत भाव से काम करना आपके लिए ज़रूरी है। भगवती कालरात्रि का स्तवन करने, शत्रुओं का संहार करने के लिए भगवती कालरात्रि का स्तवन करना सब प्रकार से कल्याण के योग बनाएगा। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है, और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं, और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित हैं उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है, और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो शिव विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ, 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये शिव विग्रह आश्रम में आया, और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया, और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है, और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नवरण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है, आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है, और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड़ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है, और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं, और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते, और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठा पटक बनी रहती है, और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं, कोशिश करें आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे संसार में, आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें, और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब
आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं, तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।